बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुजरात के पदाधिकारियों से लिया फीडबैक, जानिए कार्यकर्ताओं को क्या मिली नसीहत। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद लगातार संगठन को मजबूत करने में लगी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को मायावती ने गुजरात के पदाधिकारी और मंडल कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक की। इस दौरान मायावती ने कहा कि गुजरात में कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा वहाँ के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से चुनाव में जुट जाएं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां लोगों को रेवड़ी बांटने में तुली हैं, लेकिन जनता इस बार काफ़ी सोच समझकर फैसला लेगी। मायावती ने गुरुवार को बीएसपी कार्यालय पर आयोजित संगठन की बैठक में यह बातें कही हैं। मायावती अब तक 14 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं। मायावती ने कहा कि गुजरात में बीएसपी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए सभी पदाधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटना होगा। मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की सोच एक जैसी है। उन्होंने कहा कि गुजरात में दलितों का वंचितों का जबरदस्त शोषण हो रहा है, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाने को जरूरत है। गुजरात में जिस तरह से दलित और पिछड़े के साथ अन्याय हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी से पहले वह कांग्रेस की सरकार में भी यही होता था, आज बीजेपी भी वही काम कर रही है। यहाँ का दलित और पिछड़ा समाज आज भी थोड़े अच्छे दिनों का इंतजार कर रहा है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चलकर ही होगा उत्थान। बीएसपी की मुखिया मायावती ने कहा कि गुजरात में दलितों और पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बेहद जरूरी है बीएसपी का मूवमेंट बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए। बाबा साहब के दिए मंत्र को लेकर बीएसपी आगे बढ़ रही है और ये बात वहां के जन जन को समझनी पड़ेगी। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत प्रदान करनी होगी, जिससे बीएसपी को अपने बूते लड़ने में मदद मिलेगी। आगे मायावती ने कहा कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी लोगों को बड़े सपने दिखा रही है। बीजेपी की तरह वो भी लोगों को रेवड़ी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो जनता के हिसाब से काफ़ी खतरनाक है। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कहां सरकारें हैं वहां तो इस समाज के कल्याण होता नहीं दिख रहा है। जो काम ये सरकार अन्य राज्यों में कर रही है वही काम यहां भी करे, इसलिए गुजरात में जनता को इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती अब तक 14 राज्यों का ले चुकी हैं फीडबैक। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीएसपी की मुखिया मायावती लगातार संगठन की बैठक ले रही हैं। मायावती अब तक 14 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं। पिछले गुरुवार को भी मायावती ने 5 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके पार्टी के विस्तार में जुटने का आह्वान किया था। इसी दौरान मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड की सरकार की अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो अनुचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, भीमराज दस्तक। देश भर की खबर से अपडेट रहने के लिए भीमराज दस्तक पेज को फॉलो जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।